इस बोलने वाले मेंढक को बनाने के लिए आपको एक चौकोन कागज और एक लंबे कागज की पट्टी दरकार होगी। 10 सम लंबाई का एक कागज लें, इसे दरमियान से तय करें। इसमें दो छोटे त्रिकोण बनाएं, छत की तरह इस छत को नीचे मोड़ दें। फिर इसे पलटकर दोनों तरफ से दरमियान में दरवाजे की तरह तय करें। फिर ये दोनों छोटे त्रिकोण को दोबारा तय कर दें कि आपको एक छत की मानिंद नजर आए। इन्हें खोलें, फिर दोबारा इसको बाहर की तरफ तय कर दें। जैसे ये एक कॉलर नजर आएगा। अब ये दो छोटे त्रिकोण को ऊपर उठाएं ताकि मेंढक की आंख बन जाए। इसी तरह से बीच के छोटे त्रिकोण को मोड़कर ऊपर उठाएं। ये बन गई मेंढक की बाईं आंख। अब धीरे धीरे मेंढक का चेहरा उभरा हुआ नजर आएगा। जैसे ही आप जबड़े को नीचे की तरफ दबाएंगे तो आपको नजर आएगा कि एक नीचे वाला जबड़ा है और एक ऊपर वाला जबड़ा है, दो आंखें हैं। फिर कागज की लंबी पट्टी को मोड़कर तीन हिस्सों में तय करें ताकि वो जरा सी सख्त हो जाए और पट्टी की चौड़ाई सिर्फ आधे सेंटीमीटर की हो। मेंढक को खड़ी दरमियानी लकीर में तय करें और बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा कट लगा दें, एक स्लिट बना दें। अब खोलें और आपकी मोड़ी हुई पट्टी को दाखिल करें। ऊपर सर काटें, ऊपर सरका दें और मेंढक की नाक में जाकर फंस जाए। फिर जबड़े को मोड़ दे। इस तरह से आपका मेंढक लगभग तैयार है। इसकी आंखें बनाएं जिससे वो खूबसूरत नजर आएगा। ये है मेंढक के दोनों जबड़े और ये पट्टी। देखिए आगे से मेंढक। अब आप पट्टी को धीरे से खींचें तो मेंढक का निचला जबड़ा खुलेगा, बंद होगा, जैसे कि वो आपसे बातें कर रहा हो, कह रहा हो मैं हूँ मेंढक।